डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कुछ वैसी है जैसा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, जहां आप डिवाइड किया करते थे, उस तरह के केसेस में कभी आपको डिफरेंशिएट करना होगा या मल्टीप्लाई करते थे, वहां इंटीग्रेशन। और बहुत ब्रॉडली आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं आपको कोई एक बड़ी सी चीज दे दूं, मैं आपसे कहता हूं इसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसे डिफरेंशिएट कर दूं। डिफरेंशिएशन मीन स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर, इंटीग्रेशन नाम बता रहा है, इंटीग्रेट कर, जोड़ दो। मैं आपसे कहता हूं स्मॉल पार्ट्स को कंबाइन कर कुछ एक बना दो, तो आप क्या करोगे, उन सारे स्मॉल पार्ट्स को कंबाइन कर दोगे तो ये चीज बन जाएगी, दैट इज इंटीग्रेशन। दोनों प्रोसेस एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स है। डिफरेंशिएशन में आप स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर, इंटीग्रेशन में उन सारे स्मॉल पार्ट्स को कंबाइन कर आप एक बड़ा पार्ट। सो पहला डिफरेंशिएशन, क्लास 12th का जो मैथ्स का सिलेबस है उसका 60% पोर्शन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो 3 से 4 महीने में जाके खत्म होता है, मुझे एक क्लास में कराना है, डिटेल नहीं करानी होती इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, सिर्फ ये आपके लिए टूल्स है, ये चीजों की जरूरत आपको क्लास 11th में पड़ेगी, उसे आप डिस्कस करेंगे, उसके अलावा आप कोई फालतू डिटेल, कोई डेरिवेशन कुछ नहीं, आपसे कोई नहीं पूछेगा डिफरेंशिएशन क्या चीज है, एज अ टूल यूज होता है। तो डिफरेंशिएशन समझने के लिए कुछ नोटेशंस देखिए कैलकुलस, अगर कहीं डेल्टा आ रहा है फिजिक्स में, इस डेल्टा का मतलब होता है डेल्टा इज फाइनाइट स्मॉल चेंज। अगर आप कोई चेंज ले रहे हो जो फाइनाइट है और स्मॉल है, उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से, डेल्टा इज अ फाइनाइट स्मॉल। सो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, डेल्टा टी मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 0.000, तो डेल्टा टी का क्या मतलब है, चेंज इन टी, फाइनाइट है, स्मॉल है, इसे आप डेल्टा से रिप्रेजेंट। एक चीज और याद रखिएगा, अगर कहीं डेल्टा आ रहा है दैट मीन्स आप अभी एलजेब्रा यूज कर सकते, जहां तक डेल्टा आएंगे इक्वेशंस में एलजेब्रा वेरिएबल, जैसे एवरेज वेलोसिटी डेल्टा था डिवीजन वेरिएबल, एवरेज स्पीड डेल्टा था डिवीजन वेरिएबल, एवरेज एक्सीलरेशन डेल्टा आ रहा था डिवीजन वेरिएबल। लेकिन एक और नोटेशन होती है जिसे डी से रिप्रेजेंट, डी का मतलब होता है मैथ्स में दिस इज इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज। अब इस इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज का मतलब है एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज है कि अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करें, दिस इज नंबर लाइन, नंबर लाइन पर आपने जीरो ले लिया, तो ये जो नंबर होगा भाई, जैसे अगर मैं कहूं नंबर लाइन पर 0.001 मार्क, यहां 1 है अगर, तो 0.001 यहां मिलेगा, क्लोज होगा ना जीरो के। अगर मैं कह रहा हूं डी है, स्मॉल डी चेंज आप रिप्रेजेंट कर, तो वो चेंज नंबर लाइन पर जब आप लोगे ना, बिल्कुल जीरो के नेबरहुड में होगा और बहुत क्लोज है जीरो। अब ये कितना क्लोज है ना, उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि मैं आपको बता दूं पॉइंट के बाद 20 जीरो लगा दिए फिर 1 लगा दिया वो डी होगा, उसमें तो दिस इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन द नेबरहुड ऑफ, उसे आप कुछ ऐसे लिखते हैं टी इज 0.,  मैं नंबर ऑफ जीरो जितने लगा सकूं उतने लगा देंगे, 0.00001 दैट मीन्स ये कहां जा रहा है, इन द नेबरहुड ऑफ। तो दोनों चेंजेस में डिफरेंट समझ में आ रहा है, डेल्टा मीन्स चेंज इज फाइनल, जैसे आप बी पर आए चेंज कैसा हो गया, दिस इज इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज। और जैसे ही डी आना शुरू हो जाए, आप समझ जाओ कि अब आपको कैलकुलस यूज करना, आप एल्जेब्रिक रेजिम से बाहर जा सकते, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी की टर्म्स में आता है कैलकुलस यूज करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलस यूज करता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैलकुलस यूज करता है। डिफरेंशिएशन का मतलब समझो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं डी वाई ओवर डी, डिफरेंशिएशन करते कैसे, वो टफ काम नहीं है, वो आसान है। पहले आप ही समझो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, जैसे आपने कभी एलजेब्रा पढ़ा होगा ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, अगर मैं किसी से पूछूं व्हाट इज एडिशन, शायद आप वर्ड्स में मुझे नहीं समझा सकते कि एडिशन क्या चीज होती है,
लेकिन करते करते आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई कि ऐड करने का मतलब है चीजों को जोड़ते चले। मैं आपसे कहूँ जोड़ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, वहां भी कंबाइन कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन में भी कंबाइन कर रहे हो। वर्ड्स में शायद उस चीज को एक्सप्लेन करना आपके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक इमेज बनी हुई है आपके जहन में कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होगा। इसी तरह से फिजिकल मीनिंग समझो, डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या है, जैसे ही मैंने लिख दिया डीवाई ओवर डीएक्स, डीवाई ओवर डीएक्स मीन्स भाई डीवाई का क्या मतलब है। अगर सिर्फ वाई लिखा होता तो वाई एक वेरिएबल है, बट जब आप डीवाई लिख रहे हो डीवाई का क्या मतलब होगा, डीवाई इज फाइनाइट इज फॉर स्मॉल चेंज इन वाई। डीवाई को लिखो क्या आप इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज इन वाई, डीएक्स इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज इन एक्स। तो डीवाई ओवर डीएक्स इज इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये वाई में इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज है इसकी रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि अगर x को स्मॉल अमाउंट से चेंज करोगे तो y में क्या चेंज होगा, दैट इज dy। ये तो फिजिकल मीनिंग हो गई। इसको अब जैसे अगर मैं लिख लूं ना 2+3, तो 2+3 का फिजिकल मीनिंग आपके समझ में आता है। अब जो आप कह रहे हो 2+3 तो ऑपरेटर का नाम है, यहां इसको ऐसे लिखते हैं ऑपरेटर का नाम कि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, दिस इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं कहता हूं वाई को एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, इसे आप कैसे लिखोगे डीवाई ओवर। ऐसे मैं आपसे कहता हूं वाई और एक्स को ऐड कर दो, आप कैसे लिखोगे वाई प्लस एक्स। मैं आपसे कह रहा हूं वाई और एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए वाई इंटू एक्स, वाई को एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, दैट मीन्स डीवाई ओवर डी एक्स, दैट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना हुआ, इतना लिखिए, फिर इसके फॉर्म दे, 5 मिनट रिवीजन होगा जरा। नीचे वाले फ्लोर, थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर इससे नीचे वाले।
डिफरेंशिएट करते कैसे हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शंस के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज। पहला है, अगर आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन ऑफ द फॉर्म वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर, इस टाइप का कोई फंक्शन दिया होगा, दैट्स अ पॉलिनोमियल। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है इस फॉर्म का एक्स टू द पावर, तो उसके डेरिवेटिव का सीधा ज्यादा रिलेशन है, वो आपसे कह रहा है y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, दिस इज सिंपली dy ओवर dx। इसे आप लिख सकते हैं दिस इज d ओवर dx ऑफ x टू द पावर, y कितना था x टू द पावर ने आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, नाउ द फाइनल फॉर्मूला है दिस इज n x टू द पावर n माइनस, आप इनसे मल्टीप्लाई कर दो और n की जो पावर थी उसे 1 से सब्ट्रैक्ट। ये फॉर्मूला है जो आपको याद है, एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स, मैं आपसे कहता हूं y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो जरा आइडेंटिफाई करो n की जगह कितना आ रहा है 3, रिलेशन क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1, सो दिस इज सिंपली 3x टू द पावर 3 माइनस 1, दिस इज 3x। ये स्टेप में शुरू में लिखूंगा, बाद में इस स्टेप की जरूरत नहीं होगी, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप डायरेक्टली यहां लेरे। फर्स्ट एग्जाम्पल भाई, शुरू के 4-5 एग्जाम्पल्स हैं, ये आ गए आपको तो फिर आगे परेशानी की। दूसरी चीज, ये जो रिलेशन है दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स, वाई और एक्स है, मैं वाई और एक्स की जगह कुछ और दे दूं, मैं आपको ऐसे दे दूं एक्स इज इक्वल टू टी टू दी पावर, तो फर्क ही पड़ेगा। तो आपसे कहता है एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए टी टू दी पावर 4 दे, कहता एक्स को डी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, क्या लिखेंगे आप डी एक्स ओवर डी, ये आ जाएगा डी ओवर डी डी ऑफ डी टू दी पावर 4, और इसे आप क्या लिख सकते हैं, एन की जगह कितना आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 टी टू दी पावर कितना आ गया, दोनों एग्जाम्पल्स भाई, शुरू के 5 एग्जाम्पल्स है, इसमें नहीं सीखा तो वेयर डिफरेंशिएशन, अब भी बताओ दोनों में से किसी में परेशानी, अगर वो कुछ ऐसे दे रहा है एक्स इज इक्वल टू 1 बाय डी क्यूब 1 बाय डी टू द पावर 4, अगर ऐसा कुछ दिया है तो पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब है इसको ऊपर अब x को d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डी एक्स ओवर डी टी डी ओवर डी टी ऑफ टी टू दी पावर माइनस 2, इंस्टेड ऑफ n आप क्या यूज करें माइनस 2, तो डी एक्स ओवर डी टी इज माइनस 2 टी टू दी पावर माइनस 2 माइनस 2 होगा, तो ये कितना आ गया डी एक्स ओवर डी टी माइनस 2 टी टू दी पावर, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ओवर डी टी, आर एक्स की वैल्यू कितनी है डी रिस्क में माइनस टी, इसको उठाकर इस x की जगह रख दिया, ये एक्स है ना, एक्स की वैल्यू यहां, अब जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज कर माइनस 2 टी टू दी पावर माइनस 2 एक्स, फिर हुआ 3 हो गए। एक आखिरी एग्जाम्पल और, मान लो वो एक्स कहता है रूट टी, कहता है डिफरेंशिएट करो, भाई रूट का क्या मतलब है, पावर इज हाफ, सो दिस इज सिंपली एक्स इज टी टू दी पावर हाफ, डी एक्स ओवर डी टी कितना होगा हाफ टी माइनस हाफ, सो दिस इज हाफ टी टू दी पावर माइनस, ये डी एक्स क्लियर हुआ इतना। अब आप चाहो तो इसे यहां छोड़ सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो भाई, नेगेटिव पावर है पॉजिटिव कर दो नीचे ले जाए, आप भी फर्दर ऐसा भी कर सकते हो, उसको क्या लिख सकते हो, क्लियर है इतना। देखिए फिर प्रॉपर्टीज देखते हैं,
कॉन्स्टेंट फंक्शन। अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूं ऐसा फंक्शन जो कि कॉन्स्टेंट है, लाइक मैंने ऐसे लिख दिया वाई इज इक्वल टू के, के इज अ फंक्शन। अब मैं आपसे कह रहा हूं डिफ्रेंशिएट कीजिए वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई ओवर डी एक्स। अब जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे दिस इज डी ओवर डी एक्स ऑफ के, कॉन्स्टेंट को जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव वुड बी जीरो। इसे आप लॉजिकली मैथमेटिकली भी प्रूफ तो हो जाएगा, आप लॉजिकली समझने की कोशिश करो। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है? चेंज कैलकुलेट करना। कॉन्स्टेंट का क्या मतलब होता है? तो कोई चेंज ना हो। जैसे ही आप कॉन्स्टेंट को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? जीरो। तो डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज फॉर अ कॉन्स्टेंट। लेकिन अगर वो मल्टीप्लीकेशन दे दे, प्रोडक्ट दे दे कॉन्स्टेंट और वेरिएबल फंक्शन, कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल फंक्शन, अगर आप कॉन्स्टेंट और एक वेरिएबल फंक्शन का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, लाइक कुछ ऐसे दिया होगा, एक आपने लिया कॉन्स्टेंट के और एक वेरिएबल फंक्शन आपने ले लिया विच इज, ऐसा हो सकता है कि 3x दे दे, 3x स्क्वायर हो जाए, 4x हो जाए। तो रूल ये कहता है कि भाई कॉन्स्टेंट को आप अलग कर दीजिए। ये सारे रूल्स डिराइव हो सकते हैं लेकिन डेरिवेशन हम कहीं यूज नहीं करते। अब मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि विद इन वन एंड हाफ आवर जितना कुछ भी हो सकता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो सारा का सारा हम डिस्कस करते हैं। ये सारे रूल्स डिराइव हो सकते हैं, प्रोडक्ट रूल्स में सब डिराइव हो जाते हैं। मतलब आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं कि उनसे अलग कर दो, आप डिफ्रेंशिएट फंक्शन के अलग किया आपने और एग्जाम्पल्स भी। ये जो हमने एग्जाम्पल्स अभी जो किए थे इन्हीं को उठा देते हैं, इन्हें कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या क्या चेंजेस आएंगे। भाई जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल बताओ, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था? इसे लिख देता हूँ 3x, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया डी वाई ओवर डी। स्टेप बताते जाइए मुझे, डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x, यही होगा। 3 कॉन्स्टेंट अलग चला जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x टू दी पावर 3 माइनस। कोशिश करो कि मेरे से हाथ चले, आप कैलकुलेट कर रहे हो वरना नहीं सीख पाओगे क्या। कितना आ गया? ये होगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कराया था? टी स्क्वायर वाला दे देते हैं, एक्स इज इक्वल टू लेट से 4/t2। चेंजेस बताओ मुझे क्या क्या चेंजेस आएंगे। टी ऊपर चला जाएगा, एक्स कितना आ गया 4 माइनस 2। अब जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे dx ओवर dt, इसको लिख देते हैं d ओवर dt ऑफ 4 अलग हो गया, d टू दी पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव -2 t -3 आ गया -8। चलिए सो कहा जाता है, मैं तुमसे ही करूंगा। फेस एक्सप्रेशन इतने खतरनाक हो गए देखकर ऐसा लगता है कि सब बाउंस कर रहा है, ऊपर से जा रहा है या कहीं खो गया। पोइट्री वोइट्री करते हो? पोइट्री करते हो? शायरी नहीं? साइंस वाले तो जागते रहते हैं। शायरों के काम होते हैं कि करते करते खो गए। दिमाग थोड़ा बुलाना पड़ता है, कहाँ कहाँ चला गया, राजा वापिस आ जा पढ़ ले। तो अलार्म लगा करो 5-5 मिनट का, कि हर 5 मिनट के बाद दिमाग को बुलाने के लिए कुछ हो जाए।
third property. Next, addition and subtraction of functions. Addition and subtraction of functions. अभी तो एक ही सिंगल फंक्शन है. अगर आपके पास कई फंक्शन हो, कुछ एड हो रहे हो, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप क्या करो? लाइक मैंने आपको दे दिया y is fx plus gx plus hx और ये सब्ट्रैक्ट किए, सिर्फ तीन की जरूरत थी, कितने भी हो. मैं आपसे कहता हूँ इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए. सिंपल सा रूल है, हर फंक्शन अलग डिफ्रेंशिएट होगा और एड होगा. डिफरेंशिएट करना यहां तक आ गया तुम, इसके अलावा और कुछ नहीं सीखोगे. अब तुम्हें सिर्फ प्रॉपर्टीज देखनी है कि एडिशन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स क्या हुआ करते हैं. इन्हीं एग्जांपल्स को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, कभी एडिशन कभी सब्ट्रैक्शन. तो रूल सिर्फ ये कहता है हर फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट कर दो और छोड़ो. एफएक्स प्लस माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस माइनस बी ओवर डी एक्स ऑफ अलग अलग डिफरेंशिएट किया होगा. एग्जाम्पल देखिए, भाई जो हमने फंक्शंस लिए थे सबको ऐड कर दो एक ही बार में सॉल्व कर. एक लिया था अभी थ्री टी स्क्वायर, एक लिया था फोर बाय टी स्क्वायर और एक और ले लेते हैं, एक टी ले लेते हैं, एक टू. एक एग्जाम्पल में सब होता है. आपको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करने का रूल क्या होगा, पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिए उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ. एक्स हो गया थ्री डी स्क्वायर. अब आप क्या कर सकते हैं, हर फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट करिए. डी ओवर डी टी ऑफ थ्री डी स्क्वायर प्लस ओवर डी टी ऑफ प्लस जीरो सबको अलग डी एक्स ओवर डी टी अलग कर दिया. अब मैं स्टेप्स बता रहा हूं. टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी टू दी पावर टू माइनस फोर अलग कर दिया. टी टू दी पावर माइनस टू का डेरिवेटिव टी टू दी पावर वन, टी टू दी पावर वन का डेरिवेटिव वन. चलो इसको मैं पूरा लिख देता हूं, वन टी टू दी पावर वन माइनस वन, टू का डेरिवेटिव जीरो. ये डी एक्स ओवर डी टी आ गया. नेक्स्ट टी माइनस ए टी टू दी पावर माइनस थ्री माइनस ए टी टू दी पावर माइनस थ्री प्लस. सो दिस इज डी एक्स ओवर डी टी. अगर वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे रहा है आपको कुछ फंक्शन का, हर फंक्शन अलग डिफरेंशिएट होगा और उसके बाद एडिशन है तो एडिशन आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो सब्ट्रैक्शन. क्लियर है यहां तक?
सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो मैं समझ सकता सेकंड डेरिवेटिव के लिए अगर कहेगा पॉइंट पे सिखा दी इसमें एक बार और कर दो दैट विल बी 6 माइनस 6 प्लस 24 डी टू पावर माइनस 4 एक बार और एक क्वेश्चन आपको ट्राई कीजिए ये आया समझ में तो जब आप यहां dx ओवर dt लोगे देन दिस dx ओवर dt इज d ओवर dt ऑफ 90 स्क्वायर माइनस d ओवर dt ऑफ 2t प्लस d ओवर dt ऑफ 3 t भाई 1 बाय t है 1 बाय t को आप क्या लिख सकते हैं t टू दी पावर बरेगा अब जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे देखिए 9 तो अलग हो गया टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2 टी टू दी पावर 2 माइनस 1 2 अलग हो गया टी की पावर 1 तो डेरिवेटिव इज 1 टी टू दी पावर 1 माइनस 1 प्लस 3 अलग हो गया टी टू दी पावर माइनस 1 डेरिवेटिव इज माइनस 1 टी टू दी पावर माइनस 1 तो dx ओवर dt इज 18t माइनस 2 बाई टी की पावर तो जीरो जाएगा कौन बचेगा माइनस 3 टी टू दी पावर यहां तक क्लियर है नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले रूल के लिए पहले जरा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स देखें दोबारा प्रॉपर्टीज पर आएंगे जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन था ना ऐसे ही अगर वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे जैसे पहला साइन एक्स अगर वो कहता है साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स वो आपसे कहता है कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स वो आपसे कहता है टैन एक्स को डेरिवेट कीजिए टेन एक्स का डेरिवेटिव इज सिक्स स्क्वायर एक्स इसके बाद अगर वो आपसे कहता है कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए कॉट एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इसके बाद सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए सेक एक्स का डेरिवेटिव इज सेक एक्स टैन एक्स वो आपसे कहता है कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स ये आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए इसके बाद आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन भाई जैसे पाई होता है ना ऐसी एक फंक्शन होता है ई टू दी पावर एक्स ई एक्सपोनेंशियल पाई की तरह ई इज एन इरेशनल नंबर पाई होता है 3.14 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऐसी ई एक नंबर अगर आपने ई की पावर कोई वेरिएबल ले लिया इस फंक्शन को आप क्या कहेंगे एक्सपोनेंशियल इसकी खासियत ये इसे आप किसी के साथ भी डिफ्रेंशिएट कर लीजिए इसमें कोई चेंज नहीं है डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स विल रिमेन ई टू दी पावर एक्स कोई चेंज नहीं है
जैसे इसी फॉर्म में होगा ई की पावर ई होगा, अब वो एक्स हो सकता है, टी हो सकती है, पावर कुछ भी हो, ई ये सब। और इसे ना एक्स कुछ शायद कभी कोई ऐसे लिख दे एक्सपोनेंशियल एक्स द सेम थिंग, ई एक्स टी भी लिख सकते। ई इज एन इरेशनल नंबर, जैसे पाई होता है, पाई होता है 3.14, ऐसी ई इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू होती है 2.17.2। अगर आपने ई की पावर कुछ ले लिया, फिर से प्रॉपर्टीज कॉन्टिन्यू कर रहा वेरिएबल फंक्शन का प्रोडक्ट, तीसरा एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई वो कुछ ऐसा दे देता है, वाई इज द प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स एंड जी, दो फंक्शन एक एफ एक्स और एक जी एक्स की मल्टीप्लाई। सिंपल सा रूल है, रूल कहता है एक बार में एक डिफरेंशिएट होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या सब एक साथ डिफरेंशिएट हो गए, यहां एक साथ नहीं, एक डिफरेंशिएट होगा दूसरा आधे डिफरेंट। मान लीजिए मैंने एफ एक्स को छोड़ दिया, जी एक्स को डिफरेंशिएट प्लस, अब जिसे डिफरेंशिएट किया था उसे एज इट इज छोड़ दो, जी एक्स को एज इट इज छोड़ दो, और डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप, एक बार में एक डिफरेंशिएट होगा दूसरा एज इट इज। एग्जाम्पल दे दीजिए, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं एक्स स्क्वायर साइन एक्स इसे डिफरेंशिएट, क्लियर दिख रहा है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन लगाना होगा डी वाई ओवर डी। अगर आप कोशिश करो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देते, डिफरेंशिएट किसे करोगे प्लस, अब साइन एक्स को छोड़ देते डिफरेंशिएट, ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स विल बी, दिस इज एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया, तो आपका डीवाई ओवर डीएक्स आ गया। आप देख सकते हैं ना डीवाई ओवर डीएक्स आ जाएगा, एक्स आपने कॉमन लिया, ये
ये आ गया एक्स कॉस एक्स प्लस दिस इज एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉमन आ जाएगा इसमें से, समझ में आया कुछ? कौन सा जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तब कॉस आएगा। देखो इस साइन को हमने जब डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस आ गया, अभी हमें साइन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, छोड़ो इसलिए कॉस नहीं, डिफ्रेंशिएट किसे कर रहे हो एक्स स्क्वायर, तो प्रोडक्ट रूल में एक बार में एक डिफ्रेंशिएट होता है दूसरा आगे। एक और एग्जाम्पल, एक तुम पढ़ाई करो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स और टेन, इतना लिखिएगा फिर इसे ट्राई कीजिए। एक डिफरेंशिएट हो दूसरा आगे जिसमें, सो डी वाई ओवर डी एक्स भाई ई टू दी पावर एक्स को आगे से छोड़ देते भाई, देखिए जिनसे नहीं हुआ था टैन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, अब आप टैन एक्स को आगे से छोड़ दीजिए, आप डिफरेंशिएट कीजिए ई टू दी पावर, सो डी वाई ओवर डी एक्स इज ई टू दी पावर एक्स, tan x का डेरिवेटिव इज tan x e टू दी पावर x का डेरिवेटिव, अब आगे आप चाहें तो e टू दी पावर x कॉमन ले लीजिए, सिक्स स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स, ओके आफ्टर प्रोडक्ट रूल नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन और डिवीजन, फिफ्थ प्रॉब्लम हमेशा और अगर आपके पास दो से ज्यादा फंक्शन, अभी तो मैंने दो दिए, लेट्स से यू हैव थ्री फंक्शन, तो एक डिफरेंशिएट होगा दो एलिमेंट्स से, फिर एक डिफरेंशिएट होगा फिर दो में छोड़ोगे, तो तीन स्टेप होंगे। डिवीजन रूल और इसके आप क्वेश्चन रूल भी कहते हैं, मान लीजिए वाई है, y is the ratio of fx and g, आप डिवाइड कर रहे, अब आपको अगर dy over dx चाहिए तो रूल पहले देखो, dy over dx is डिनोमिनेटर में क्या है gx, न्यूमरेटर में fx, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, आप पहले डिफ्रेंशिएट करोगे न्यूमरेटर को
एफ एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिया माइनस. अब आप न्यूमरेटर को छोड़ दो और डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएट. अब आप डिफ्रेंशिएट करोगे डी ओवर डी एक्स और डिवाइडेड बाय जो जी एक्स आया इस जी एक्स का हाफ स्क्वायर. एक बार में एक डिफ्रेंशिएट होगा जी एक्स एज इट इज छोड़ा एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया माइनस एफ एक्स एज इट इज छोड़ दिया जी एक्स डिफ्रेंशिएट किया डिवाइडेड बाय जी एक्स का स्क्वायर. एग्जाम्पल देख लाइक वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स ये दे दिया. तो न्यूमरेटर इज एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर इज साइन एक्स. आपको चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स. जरा ट्राई करो सबसे पहले कौन सा डिफ्रेंशिएट होगा साइन एक्स को तो एज इट इज छोड़ेगा डिनोमिनेटर नहीं होगा डिफ्रेंशिएट. डिफ्रेंशिएट कौन होगा तो डी ओवर डी एक्स माइनस अब एक्स स्क्वायर को छोड़ दो डी ओवर डी एक्स ऑफ डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर. सो डी वाई ओवर डी एक्स आ गया साइन एक्स. भाई आप बताइए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय साइन क्लियर हुआ इतना लिखिए तो इसके बाद एक एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन साइन एक्स का होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर एक्स. साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अलग नहीं होते साइन स्क्वायर एक्स नहीं साइन एक्स अगर तुमने लिख दिया ना साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर दैट विल मीन साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर.
गया ना, पावर टू एक्स स्क्वायर करोगे तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो दैट इज एक्स इंटू टू टू एक्स ए टू द पावर टू एक्स हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर ये हुआ ना, जब आप स्क्वायर करोगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो दिस इज सिंपली ई टू द पावर एक्स। देखिए जब आप डी वाई ओवर डी एक्स लेंगे भाई एक्स क्यूब बाई ए टू द पावर एक्स, पहले आप क्या करेंगे ई टू द पावर एक्स को एज इट इज छोड़ोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे आप न्यूमरेटर को, अब आप एक्स क्यूब को एज इट इज छोड़ोगे, अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स का, सो डी वाई ओवर डी एक्स इज ई टू द पावर एक्स, एक्स क्यूब मीन्स थ्री एक्स टू द पावर थ्री वाई माइनस एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव विल बी डिवाइडेड बाय ई टू द पावर स्क्वायर करोगे तो पावर्स मल्टीप्लाई होगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स आ गया भाई, दिस इज ई टू द पावर एक्स थ्री एक्स टू द पावर थ्री माइनस वन कितना हुआ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ई टू द पावर अब आप चाहें तो एक काम कर सकते ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, ई टू द पावर एक्स आप कॉमन ले लीजिए क्या बचेगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ये ई टू द पावर टू एक्स है ना, इसका मतलब ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर, दिस स्क्वायर विल कैंसिल दिस ई टू द पावर एक्स, दिस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई द पावर प्रॉपर्टी होगी, ये शायद आप में से कुछ लोगों को परेशान करे थोड़ा सा चेन। देखो चेन रूल शुरू करने से पहले आपको ये दिखना चाहिए कि फंक्शन कितने हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स देखिएगा, जैसे मैं लिखता हूं साइन एक्स, तो साइन एक्स लिखने का मतलब है साइन एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स, साइन एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है एक्स पर, देखो नेचुरल है ना, एक्स को चेंज करते चले जाओ साइन एक्स चेंज हो जाएगा, एक्स 30 डिग्री ले लो साइन 30 कितना होगा हाफ, एक्स 90 डिग्री ले लो साइन 90 कितना होगा वन, एक्स 45 ले लो साइन 45 वन बाय रूट, एक्स चेंज करोगे साइन एक्स चेंज होगा, उसको लिखते हैं साइन एक्स डिपेंड्स अपॉन एक्स, उसको मैथमेटिकली लिखेंगे साइन एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जिसके पास मैथ्स है उन्होंने ये करा होगा, स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं जिनके पास मैथ्स नहीं है, जिनके पास बायोलॉजी मैथ्स नहीं है वहां पर चल, तो साइन एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स मीन्स साइन एक्स डिपेंड्स अपॉन एक्स, आप एक्स चेंज करोगे साइन एक्स, ऐसी अगर मैं लिखता हूं टैन एक्स तो उसको लिख सकता हूं टैन एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स, अगर मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर डिपेंड कर रहा है एक्स पर, एक्स चेंज करोगे एक्स स्क्वायर चेंज होगा, लेट्स योर एक्स इज वन तो एक्स स्क्वायर वन आएगा, वन स्क्वायर वन होगा, एक्स टू है फोर, एक्स थ्री हो जाए तो एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसी तरह से अगर मैं लिख रहा हूं ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, अभी एक सिंगल फंक्शन साइन एक्स एक्स का, टेन एक्स एक्स का फंक्शन, एक्स स्क्वायर एक्स का फंक्शन, ई टू द पावर एक्स एक्स का फंक्शन। अब दूसरे टाइप के एग्जाम्पल्स देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक में मैंने आपको दो फंक्शंस दिए, आप ऊपर से देखकर समझ सकते हैं, देखिए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर
is function of x square. Sin x is ka function tha? X. Sin x square is a function of x square. Now this x square is itself a function of x square is a function of x. So simultaneously मैंने आपको दो functions दे दिए. इसे कहते हैं chain बन गई. Sin x square is a function of x square and x square is a function of x. ऐसे ही अगर मैं ऐसे लिखकर दूँ आपको, मैं लिखता हूँ sin e to the power x. अब बताइए. Sin e to the power x is function of ex and ex is a function of x. Ex is function of x. ऐसे होगा. इसके बाद ये जितने एग्जाम्पल्स मैं लिखवा रहा हूं, ऊपर वाले तो आपको डिफरेंशिएट करने आते हैं, कि नीचे वाले केसेस हमें डिफरेंशिएट करते हैं. एक और एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं साइन ऑफ स्क्वायर एक्स, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये जरा सा टफ पेपर बनता है चला. साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर सिंपली मीन साइन एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स मीन साइन एक्स का होल स्क्वायर. इसमें देखो कौन कौन से फंक्शन कंबाइन करें. पहले तो ये वाला कंबाइन, एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या दे दिया उसने साइन. तो आप दोबारा देखो, एक्स स्क्वायर अगर आपने लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, एक्स का. अगर एक्स की जगह मैंने साइन एक्स लिख दिया, दैट मीन्स साइन एक्स का होल स्क्वायर नॉट एक्स, साइन एक्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स. ये इंपॉर्टेंट है. देखो एक्स स्क्वायर एक्स का फंक्शन था, एक्स की जगह आपने क्या दिया हुआ है, पूरा साइन. तो साइन एक्स का स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ साइन एक्स. अब ये जो साइन एक्स आया, ये किसका फंक्शन है, साइन एक्स इज फंक्शन ऑफ. आपको ये भी डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि पहला वाला एल्जेब्रिक है या ट्रिग्नोमेट्रिक. जैसे यहां पहला वाला क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक. साइन एक्स स्क्वायर इज ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक. लेकिन जब मैं साइन एक्स का होल स्क्वायर ले रहा हूं, ये होल स्क्वायर इज एल्जेब्रिक फंक्शन. पहले एल्जेब्रिक आ रहा है, उसके बाद साइन एक्स ले रहा हूं, वो कैसा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक. एक और एग्जाम्पल देखिए, ई टू दी पावर उसने दे दिया सम ए एक्स, e टू दी पावर x किसका फंक्शन था, x का. e टू दी पावर ए एक्स किसका फंक्शन होगा, इट्स फंक्शन ऑफ ए एक्स. अब ये जो ए एक्स है, ऐसे तो चेंज बन सकते, फंक्शन काउंट करने होते हैं, कितने बनाने को तो कई बन सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है साइन ऑफ e टू दी पावर ए एक्स स्क्वायर, काउंट करो कितने हो गए. साइन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ई ए टू दी पावर एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ए एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन होगा. इतनी चार चीज बन जाएंगे. मैथ्स जब आप करेंगे तब जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में इतना लेंदी नहीं देगा कि सारा टाइम इसी में देगा. इतना आता है यहां तक एम्स और जेई के न्यूमेरिकल्स में, इतना तो मिलेगा. लिख लीजिए, क्या आपके स्कूल में ना पूछे.
की जगह साइन एक्स का होल स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर रहे हो तो एक्स का फंक्शन, जब आप साइन एक्स का होल स्क्वायर करें तो किसका फंक्शन होगा, साइन साइन स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब यही होता है कि होल स्क्वायर किसका फंक्शन है, साइन। अभी साइन एक्स किसका फंक्शन होगा, एक्स पहले स्क्वायर था वो साइन एक्स का फंक्शन फिर साइन एक्स एक्स, ये पैसा है। फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स स्क्वायर, पहला मैं आपको दे रहा हूं वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स में फर्क दिख रहा है, यहां स्क्वायर किसका है, सिर्फ एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का क्या मतलब है, कंप्लीट साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो वो आपसे कहता है डी वाई ओवर डी एक्स का, उसको ढंग से साइन एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का, तो ये साइन एक्स स्क्वायर एक्स की रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं होगा, जिसका फंक्शन है उसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो साइन एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का, तो ये एक्स स्क्वायर की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, इसे ऐसे देखेंगे डी ओवर डी एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर की रिस्पेक्ट, इसके बाद ये एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, अब एक्स स्क्वायर को एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, दोबारा साइन एक्स स्क्वायर लिखा, साइन एक्स स्क्वायर एक्स का फंक्शन तो नहीं है, किसका फंक्शन है, तो तुमने साइन एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, अभी जो एक्स स्क्वायर आया है किसका फंक्शन है, एक्स का, उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, अब देखो साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो कॉस एक्स आता है, ऐसे होगा ना, साइन एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स स्क्वायर आता है, एक्स क्यूब होता तो एक्स क्यूब की रिस्पेक्ट में करते क्या आ जाता है, कॉस एक्स क्यूब आ जाता, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, एक और एग्जांपल उठाते हैं इसमें, साइन ई टू दी पावर एक्स होता है, ये तुम जब ऐसे लिखते हो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, अगर मैं एक्स की जगह टी दे दू तो कॉस टी हो जाएगा, मैंने एक्स की जगह एक्स स्क्वायर दिया तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड एग्जाम्पल देंगे, अगर मैं दे रहा हूं वाई इज साइन ऑफ ई टू दी पावर एक्स, अब काउंट करो साइन ऑफ ई टू दी पावर एक्स इसका फंक्शन है, जरा गेस करो डी वाई ओवर डी एक्स,
साइन ई टू दी पावर एक्स किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? ई टू दी पावर एक्स डिफरेंशिएट होगा ई टू दी पावर एक्स होगा। अब ये जो ई टू दी पावर एक्स है ये किसका फंक्शन है? तो इसे आप डिफरेंशिएट करोगे ई टू दी पावर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव था कॉस एक्स, साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में था कॉस एक्स स्क्वायर, साइन ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? और ई टू दी पावर एक्स का इसे ना मल्टीप्लाई कर देना, ये एंगल में है ये बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कर देना स्क्वायर कर दो, ये है कुछ कर रहे होंगे वो ये करेंगे साइन एक्स इन टू एक्स इज साइन एक्स का होल स्क्वायर। वो एक्स एंगल ये ऐसा है, मैं तुमसे कह रहा हूं साइन 30 इंटू 2 कर दो, साइन 60 हाफ मल्टीप्लाइड कर, ये 230 से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 30। अभी रुको रुको रुको, अभी एक और वाई इज साइन स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स वाई क्या है? साइन एक्स का होल स्क्वायर। चलो अब बताओ डी बाय ओवर डी साइन एक्स का होल स्क्वायर किसका फंक्शन? साइन तो डी ओवर डी साइन एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक एक्स टू दी पावर एन टाइप इक्वेशन। अब ये साइन एक्स किसका फंक्शन? एक्स का। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर नॉट कॉस, साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तब कॉस आएगा ना, लेकिन साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? दिस इज एल्जेब्रिक, दिस इज एक्स टू दी पावर एन टाइप फंक्शन। तो एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, सो दिस विल बी टू साइन एक्स टू दी पावर टू बाई मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स इज कॉस एक्स, हो सकता है तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज टू साइन एक्स इंटू टू, यहां भी छोड़ सकते हो, और एक रिलेशन होता है साइन टू एक्स इज टू साइन एक्स कॉस एक्स, ट्रिक हो गया। तो टू साइन एक्स कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं यहां से, ये रिलेशन जा रहा है, आप यहां छोड़ सकते हो, बट हो सकते हैं आपको यहां भी यहां दे दो, तो डायरेक्ट रिलेशन होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन टू एक्स। चलो
डिफरेंशिएशन में इसके अलावा कुछ यूज नहीं होगा, एक्सप्लेनेटरी है। पानी पीना है जाके पियो, फिर एक घंटा एटलीस्ट इंटीग्रेशन हो जाए। मेरी 12:30 से कहीं और क्लास है, मुझे हर हाल में 12:20 तक यहाँ से निकल जाऊंगा। पानी वानी कुछ नहीं पीना।